हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का गौरव झा फिटनेस पे। तो भाई लोग, आज का वीडियो होने वाला है चेस्ट के ऊपर। तो भाई बहुत आप बोलोगे भाई चेस्ट का तो तुम वीडियो बनाते हो, भाई चेस्ट का एक्सरसाइज बताते हो। तो भाई चेस्ट का जो मैं वर्कआउट बताता हूँ आप लोगों को, घर पे ही बताता हूँ, ऑब्वियसली घर पे एक्सरसाइज कराता हूँ मैं। तो घर पे जो आप वर्कआउट करते हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है भाई। वो एक्सरसाइज करता हूँ जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए आपको तो वो एक्सरसाइज तो आपको परफॉर्म करना ही है। जो है अलग अलग वेरिएशन बता रहा हूँ, शिफ्ट करते जाओ आप लोग। जैसा कि आप बिगनर हो, बिगनर से आप लोग को एक लेवल ऊपर ले जाता हूँ, तो आपको उस तरह से अडेप्ट करना पड़ेगा एक्सरसाइज के साथ साथ। ठीक है, अभी आ जाएंगे भाई। ये एक्सरसाइज पांच अभी बताने वाला हूँ जो कि जो मेरे बिगनर भाई थोड़ा बहुत पुशअप्स वगैरह कर लेते हैं उनके लिए है। ठीक है, जो मेरे बिगनर भाई को पुशअप्स वगैरह नहीं होता है वो पिछले वाले वीडियो बिगनर वाला वीडियो को देख सकते हैं। और बाकी जो मेरे भाई बन गए हैं, थोड़ा बहुत शरीर जिनका बन गया है, पुशअप्स वगैरह कर लेते हैं अच्छे से, तो वो एक्सरसाइज पांच एक्सरसाइज फॉलो करना है। ज्यादा नहीं, पांच एक्सरसाइज ऐसा बताऊंगा अगर आप कर लेते हो मेरे साथ साथ रिजल्ट चेस्ट एक्सरसाइज के तुरंत बाद बोलोगे कि हाँ भाई चेस्ट बन गया, चेस्ट पंप हो गया, इस एक्सरसाइज से कुछ पता चला, आप लोगों को अंदर ही फील होगा कि हाँ भाई चेस्ट अच्छे तरीके से पंप हुआ। यूज क्या करेंगे भाई, घर पे करना है तो ऑब्वियसली इक्विपमेंट कोई होगा नहीं हमारे पास, दो ईंट होगा और एक छड़ी होगा। मैं इसी तरह का वर्कआउट लाता हूँ जो कि कोई बंदा कर सकता है। मशीन वाला रिजल्ट चाहिए तो मशीन बना दो आप लोग घर पे ही बिना किसी इक्विपमेंट के। क्या करना है, दो ईंट और इस छड़ी के इस्तेमाल से करेंगे आज वर्कआउट, देसी तरीके से करेंगे। और चेस्ट को मेरे से भी तगड़ा कर लोगे आप चेस्ट घर पे ही बिना इक्विपमेंट के, बिना जिम के, बिना किसी चीज के इस्तेमाल के। अच्छा बिल्ड डाउन आपका चेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। देखो भाई साथ में फॉलो करना सिर्फ पांच एक्सरसाइज और चेस्ट तगड़ा हो जाएगा। तो भाई आ जाते हैं अभी एक्सरसाइज के ऊपर। भाई एक्सरसाइज बताओ कौन सा बताने वाले हो? तो भाई एक्सरसाइज में ये सब चीज आप लोगों को ले लेना है, आसपास से कुछ जुगाड़ कर लेना है। और ये सिंपल एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं होगा भाई, बिल्कुल ही अलग वेरिएशन होगा जो कि आपने पहले नहीं किया हुआ। करना आपने जरूरी है भाई, जरूर से करना, देखना किस तरह जरूर होता है। तो पहला एक्सरसाइज आपने रखना है, सबसे पहले अपने विड्थ के हिसाब से, अपने चौड़ाई के हिसाब से ईंट को अपने शोल्डर के सामने सामने रखो आप। ठीक है, फिर आप इस छड़ी को रखो और ईंट से क्लोज आप पकड़ोगे। ठीक है, इस तरह से। और आप क्या करोगे भाई, सिंपल पुशअप जिस तरह नीचे जाते हो उस तरह जाओगे और चेस्ट को आगे ले जाओगे, फिर अप, फिर नीचे आओगे, फिर सिंपल पुशअप के पोजीशन अप। ये एक्सरसाइज ध्यान से देखना भाई, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो ध्यान से देखना। पुशअप सिंपल आपने क्या करना है, इस तरह से छड़ी को रखना है, ईंट से क्लोज ग्रिप पकड़ना है, फिर क्या करना है, पुशअप नीचे जाओ, ठीक है, फिर बॉडी को आगे लेके जाओ, फिर अपर चेस्ट पे फोकस रख के फिर नीचे आओ, फिर सिंपल पुशअप। ये देख सकते हो आप लोग, तीन चार आगे दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, पुशअप की पोजिशन आगे अप, फिर बैक पुशअप की पोजिशन सिंपल अप। इससे क्या हो रहा है, लास्ट में सारा का सारा चेस्ट आपके एक तरह से एंगेज हो रहा है भाई। अपर चेस्ट पे भी आगे जाके फोकस कर रहे हो, फिर पीछे आ रहे हो, लोअर चेस्ट पे फोकस हो रहा है, फिर ऊपर आ रहे हो, तो बीच वाला पोर्शन आपका। तो ये पहला एक्सरसाइज भाई हमारा जिसमें कि हमने क्या करना है, सिंपल पुशअप्स किए, हम आगे गए, अपर चेस्ट पे भी फोकस किया, इसी तरीके से ऑल ओवर आपका चेस्ट पंप हो जाएगा। अभी दूसरा एक्सरसाइज बताओ भाई, पांच एक्सरसाइज बिल्कुल ही अलग बताने वाला हूं, तो साथ में करना आप लोग भाई और बताना भी कि किस तरह का रिजल्ट मिला। एक्सरसाइज नंबर टू, इंच को चेस्ट के इनर चेस्ट के लाइनिंग के बीचों बीच रखो आप, फिर ग्रिप रखेंगे इस तरह से। ठीक है, और हमारा इस एक्सरसाइज में क्या हुआ, एक चेस्ट पैक इस साइड पे एक बार टाइट करेंगे और इस साइड पे एक बार टाइट करेंगे। इस तरह से पहले इस साइड पे टाइट करते हैं भाई, तो हमारा ग्रिप इस तरह से रहेगा भाई, सारा का सारा फोकस एक तरफ की चेस्ट पे, नीचे आने दो, अप, इस हाथ को रिलैक्स कर दो भाई, तरह से इस हाथ को पूरा रिलैक्स छोड़ोगे कोई हक नहीं, अप, इस तरह से आप एक चेस्ट पैक पे एक टाइम पे टारगेट कर रहे हो सिंपल तरीके से। जैसे बता रहा हूं भाई, अगर आप सिंपल पुशअप लगाते हो इस तरह से तो आप अपने बॉडी वेट का जो है वेट दोनों हाथ पे डालते हो। अगर आप एक हाथ पे डालोगे तो आपका एक साइड का जो है चेस्ट आपके फोकस में होगा। ठीक है, तो आपने इसी तरह करना है, ग्रिप इस तरह से, या रिलैक्स पूरा नीचे दो, अप, और आपका एक साइड का चेस्ट भाई अच्छे से पंप होगा सिंपल तरीके से। फिर आप अल्टरनेट दूसरे साइड से भी कर सकते हो, ईंट को इधर रखेंगे और छड़ी को इस तरह रखोगे, और ये छड़ी आपको बिल्कुल ही राउंड शेप में कम से कम लेना है, जिससे कि क्या होगा, राउंड शेप में रहेगा तो ग्रिप अगर आपका करने में दिक्कत नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट साइड पे टारगेट करेंगे भाई, जस्ट के ये आप रिलैक्स रखेंगे इस हाथ से कोई हेल्प नहीं, ठीक है, और लगाएंगे सिंपल एक चेस्ट पैक पे टारगेट करेंगे जो हमारा दूसरे साइड का था, इस तरह से इसको रिलैक्स छोड़ोगे भाई कोई इसकी हेल्प नहीं। ये आपका एक्सरसाइज नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, पहला था हमारा जो कि पुशअप्स के पोजीशन सामने आके अपर चेस्ट पे फोकस करके ऊपर आते थे, और दूसरा ये हुआ हमारा एक टाइम पे एक साइड चेस्ट पे कैसे टारगेट किया हमने। नेक्स्ट एक्सरसाइज हुआ भाई, अब चेस्ट को अलग अलग करना है लाइनिंग के लिए, इस चीज के लिए, इस चीज के लिए एक्सरसाइज बताओ। तो बिल्कुल चेस्ट के बीचों बीच रखना है आपने ईंट को और छड़ी को रखना है इस तरह से, और सिंपल पुशअप लगाना है जिससे आप सिंपल पुशअप लगाते हो आप, इससे आपका इनर चेस्ट और लाइनिंग भाई बिल्कुल अच्छा हो गया,
चेस्ट आपका अलग अलग दिखेगा भाई इस तरह से 15 से 20 रेपिटेशंस। ये आपका हो गया भाई एक्सरसाइज नंबर थर्ड। तो इस एक्सरसाइज से क्या होगा भाई हमारा इनर चेस्ट और ये वाला चेस्ट का लाइनिंग चेस्ट अलग अलग हो गया है। चेस्ट आपका हैवी दिखेगा भाई, बेहतर दिखेगा, अच्छा दिखेगा। अभी चलते हैं चौथे नंबर एक्सरसाइज की तरफ। चौथे नंबर एक्सरसाइज में स्टिक का जरूरत नहीं पड़ेगा हमें। चौथे नंबर एक्सरसाइज में स्टिक का कोई जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ ईंट को बीचों बीच रखना है, हाथ को बाहर की तरफ रखना है और नीचे आए दो अप। ये भी आपका इनर चेस्ट के लिए भाई, इनर चेस्ट पे ज्यादा फोकस करो क्योंकि आपका चेस्ट अलग दिखेगा भाई, बीच में लाइनिंग आएगा तभी आपका चेस्ट बड़ा दिखेगा भाई। इस पर सब बना सकते हो। तो ऑल ओवर आपका जो भाई चेस्ट जो है इनर चेस्ट सारा तरीके से अपर चेस्ट इनर चेस्ट आपका चेस्ट का लाइनिंग बीच का चेस्ट सारा कुछ टारगेट हो गया है। अभी लास्ट एक्सरसाइज देखते हैं भाई फिनिशर। एक्सरसाइज नंबर फिफ्थ होगा भाई हमारा, ईट को रख देंगे वाइड अपने शोल्डर से वाइड और छड़ी को रख देंगे इस तरह से, ठीक है। ध्यान से देखना भाई पांचवा नंबर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल ध्यान से देखना, फॉर्म देखना। आपने क्या करना है, बस चेस्ट को यहाँ पे लाके बस आपने होल्ड करना है, कुछ नहीं करना है, होल्ड करना है जितना होल्ड कर सकते हो। ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज फिफ्थ एक्सरसाइज है। जब थक जाओगे अप यहाँ पे आओगे, फिर सारा फोकस चेस्ट पे रख के यहाँ पे लाके होल्ड करोगे जितना टाइम होल्ड कर सकते हो। थक जाओगे अप। इसका कम से कम आपने भाई 10 रेपिटेशन लगाना है, कम से कम 10 से 12 रेपिटेशन तो लास्ट में लगाना ही आपको, इससे आपका एक्सरसाइज भाई फिनिश होगा। तो ये सारा एक्सरसाइज करो भाई, तो ये सारा एक्सरसाइज करो भाई, पांच एक्सरसाइज अपने चेस्ट को तगड़ा करो भाई। अलग वेरिएशन के साथ आप चेस्ट अच्छा कर सकते हो सिंपल सिंपल एक्सरसाइज से, सिंपल सिंपल चीज के इस्तेमाल से। तो करो भाई बेहतर चेस्ट बनाओ, घर पे ही अच्छा चेस्ट बनाओ, पर्सनल टेस्ट करो भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी करने के साथ और नए टॉपिक के साथ और नए एक्सरसाइज के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।